नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा टर्बन कैप लाई हूँ। कैप 0 से लेके साल भर के बेबी के सिर में आसानी से आ जाएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। ऊपर से देखिए ये इस तरह बन के आया है, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी घटाई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। इस टोपी को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 80 फंदे डाले हैं और 6 लाइन सीधा सीधा बुना है, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा, जिससे 3 उल्टे फंदों की धारियां पीछे से भी और सामने से भी आ गई हैं। तो ये कैप का बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे और यहाँ पे हम अपनी सिलाई बदल देंगे। अब हम 9 नंबर की सिलाई लेंगे और दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और इस लाइन में हम पीछे की तरफ से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हम 6 लाइन बुनेंगे, यानी सामने की तरफ से सीधा, दूसरे रंग के ऊन से सामने की तरफ से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो 6 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 6 लाइन मैंने दूसरे कलर से प्लेन बुन लिया, यानी सामने से सीधा और पीछे से उल्टा। अब हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा। फ्रेंड्स, पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, शेष फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा। अब हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से सीधा बुनने से, पीछे की तरफ से सीधा बुनने से सामने की तरफ देखिए एक उल्टे फंदों की धारी आ रही है। इसी तरह हमें 3 धारियां बनाना है, यानी 6 लाइन हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है, जिससे 3 उल्टे फंदों की धारियां आ जाएंगी। तो मैं 6 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकेंडरी कलर के ऊन से 6 लाइन प्लेन और प्राइमरी कलर के ऊन से 6 लाइन सीधा, यानी सामने से भी सीधा और पीछे से भी सीधा, इस तरह 12 लाइन कंप्लीट कर दिया है। अब इन्हीं 12 लाइनों को, यानी ये इन दो स्ट्रिप्स को हमें 3 बार बनाना है। एक बार ये बन चुका है, 2 बार और रिपीट करना है, जिससे सेकेंडरी कलर के 3 स्ट्रिप्स और प्राइमरी कलर के 4 स्ट्रिप्स हो जाएंगे। तो इतना कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 7 स्ट्रिप कंप्लीट हो गया है, 3 सेकेंडरी कलर से और 4 प्राइमरी कलर से, यानी 42 लाइन, यानी 42 लाइंस कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा 43rd रो है। और अब हमें इस ब्लैक कलर का काम नहीं है तो हम इसे काट देंगे। अब हम सारी बुनाई इस सेकेंडरी कलर के वुल से ही करेंगे। तो अब हम अपने सेकेंडरी कलर के वुल से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। सेकेंडरी कलर के वुल से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और इस ऊन को ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि ये इसी में फंस जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट हो चुका है और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हमारा 44th रो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए ये 44th रो कंप्लीट हो गया है और इस समय इसकी चौड़ाई है लगभग 5.5 इंच, देखिए, और लंबाई है
लगभग 14 इंच। और अब ये हमारा 44th रो है, सॉरी 45th रो है, 45वां लाइन। और इस लाइन में हम फंदों को घटाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चार फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4। और अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे सीधा बुनते हुए। फिर अब 5 फंदे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुन लेंगे, यहाँ 1 फंदा घट गया। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरी लाइन में करेंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में 4 फंदे बचेंगे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो शुरुआत में भी हमने 4 फंदा सीधा बुन के 2 का 1 किया था और बीच बीच में 5 फंदे सीधे बुन के 2 का 1, लास्ट में 4 फंदा सीधा बचा था। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। घटाई हम सिर्फ सामने की तरफ से करेंगे, रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदों को सिर्फ उल्टा ही बुनना है। अब ये हमारा 47th रो है, तो इसमें हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। पिछली बार 4 फंदों को सीधा बुना था, अब की हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 2, 3। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1। फिर बीच में 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1। फिर 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1। लास्ट में 4 फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 59th रो में हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे, पहला उतारा, अगला सीधा बुना, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर 2 का 1। अब 3-3 फंदे सीधा बुनेंगे और उसके बाद 2 का 1 करेंगे। लास्ट में 4 फंदा, इसे हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 51वें लाइन में हम 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 2 का 1। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, तो 2 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 को एक साथ लेके 2 का 1 कर देंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 53वें लाइन में 2 फंदे एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे लेंगे सीधा बुनते हुए 2 का 1। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 55वें लाइन में पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। ये हमारा 57वां लाइन है। अब 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। 2 फंदों को लिया सीधा बुनते हुए 2 का 1, 2 फंदों को एक साथ लिया सीधा बुनते हुए 2 का 1, 2 फंदों को एक साथ लिया सीधा बुनते हुए 2 का 1। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हमारी सिलाई पे देखिए सिर्फ 6 फंदे ही रह गए हैं। अब हम धागा थोड़ा लंबा काट लेंगे और सुई में डाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस सुई को इन फंदों के
अंदर से लेते जाएंगे, या तो हम इस साइड से ले जाएं या फिर इस साइड से, जिस भी साइड से हमारी इच्छा हो हम कर सकते हैं। तो सारे फंदों को हम इस सुई पे चढ़ा लेंगे। सिलाई को निकालेंगे और ऐसे इसके अंदर से खींच देंगे। अब देखिए सारे फंदे हमारे बंध गए। और अब हम एक बार और ऐसे ही हम सुई को इन फंदों के अंदर से निकालेंगे। और अब देखिए ये कितना सुंदर सा फूल बन गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम चाहे तो सीधी तरफ से कर सकते हैं, चाहे तो उल्टी तरफ से कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आपको अच्छी तरह सिलाई करने आता हो आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कैप बनके तैयार है, ये देखिए। और ये ऊपर से देखिए कितना सुंदर है। चाहे तो पम-पम लगा के आप यूं ही अपने बच्चे को पहना सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिलाई करके जहाँ हमने सिलाई किया है उसको ऐसे सिलाई करके टर्बन कैप भी हम बना सकते हैं। टर्बन कैप बनाने के लिए ये हम जहाँ से हमने सिलाई किया है उधर से ही हम ऐसे डबल धागा लेके सुई में, अब हम ब्लैक कलर का ही धागा डालेंगे और यहाँ से हम जहाँ से हमने सिलाई की है वहीं से हम धागा निकालेंगे और ऐसे करके हम सिर्फ काले वाले पोर्शन को ऐसे इकट्ठा करिए। नीचे वाले बॉर्डर का जो तीन उल्टे फंदों की धारी आई है उसमें से हम सिर्फ दो धारी को लेंगे, तीसरी वाली धारी को नहीं लेंगे, और फिर इन में से ऐसे हम निकालेंगे। दो तीन बार हम निकालेंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो कोई अच्छा सा प्यारा सा बटन लगा सकते हैं, आप इसमें से काज भी बना सकते हैं, ऐसे आप काज भी बना दीजिए। यदि आपके पास बटन हो तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स खूबसूरत सी टर्बन टोपी तैयार है। इसे आप बेबी बॉर्न से 6 महीने के बच्चे के सिर में जो आसानी से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स कैप आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।